हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स आपके पेपर थ्री में पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और पेपर थ्री के लिए जो करंट अफेयर्स है वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इससे पहले दिसंबर का करंट अफेयर्स करा रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगहों पर मिल जाएगा। तो चलिए आज जो है हम लोग नवंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और नवंबर में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ सामने ये रहा, बुकर प्राइज 2023 से हाल में ही किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है पॉल। एक्चुअली यहाँ पे जो है नाम थोड़ा सा जो है, एक्चुअली सॉरी, ये ऑप्शन रॉन्ग है। पॉल लिंच यहाँ पे सही है, मुझे लग रहा था कि ऑप्शन ही रॉन्ग है, बट ये पॉल लिंच जो है इन्होंने जो है बुकर प्राइज जीता है। किसके लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो और बुक की जो है फोटो भी आपको दोनों साथ में दिखाई दे रही होगी। अब एक ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऑप्शन क्या है? एक गीतांजलि श्री, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, गीतांजलि श्री भारत की है और इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2022 के लिए जो है इनको बुकर प्राइज से जो है सम्मानित किया गया है और इनके बुक का नाम जो था वो रेत समाधि था। हिंदी में जो इनकी बुक थी वो रेत समाधि इनके बुक का नाम था, याद रखिएगा, रेत समाधि। अब मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में जो है एक्चुअली 5-6 भाषाओं में इनका जो है अनुवाद किया गया था और इंग्लिश में जो बुक का नाम था वो था सैंड ऑफ टूम। इसका बुक का नाम क्या था? सैंड ऑफ टूम। एक जो फॉरेनर राइटर है उन्होंने इस बुक को लिखा था। एक्चुअली थीम जो है इन्हीं की थी, गीतांजलि श्री की। तो आंसर जो है आपको ये भी याद रख लेना है, हो सकता है कि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सके। तो 23 के लिए जो है आंसर क्या हो जाएगा? पॉल लिंच। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डेविस कप 2023 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना, ये होस्ट कंट्री थी, यानी कि ये मेजबान कंट्री थी। यहीं पे जो है इस प्रतियोगिता का, डेविस कप 2023 का आयोजन हुआ था और जीता किसने था? इटली ने जीता था। किसने जीता था? इटली ने। किसे हराया था इटली ने? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को कितने 0 से हराया था? तो 2-0 से। कभी कभी एग्जाम में ना होस्ट कंट्री पूछे तो आपको स्पेन बताना है, अगर विनर टीम पूछे इटली बताना है, अगर आपको पूछे रनर अप टीम यानी कि उप विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया बताना है। 3 जी के यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, डेविस कप को ना, डेविस कप को जो है वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, 54वां यानी कि 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जो है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उस फिल्म का नाम आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन क्या है? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, बगालालेशन, कांतारा या फिर इंडलेस बॉर्डर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडलेस बॉर्डर। सही आंसर क्या होगा? इंडलेस बॉर्डर। देखिए, ईरानियन फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है अब्बास अमीनी, वो फारसी में जो है मूवी वगैरह बनाया करते हैं, याद रखिएगा। इनकी मूवी आपको खोज खोज के जो है देखनी चाहिए, सोसाइटी पे या फिर जो जियो पॉलिटिक्स में चीजें हो रही है उसके ऊपर ये मूवी बनाते हैं। और क्वेश्चन एक और अलग तरीके से अगर पूछ दिया जाए तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 54वां जो 54th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में जो है इसका आयोजन कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड का जो है आपको लोगो दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले आप लोगों से ईमानदारी से ना आप लोगों से चाहता हूं, नीचे कमेंट करके जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें ताकि मुझे भी पता चल सके कि झारखंड के किन किन जिलों से आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप बाहर में रहते हो, बिहार या फिर आप यूपी में रह रहे हो या दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, तो नीचे कमेंट करके वो भी आप लिख सकते हो। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूं आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो। चलिए, तो इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं, ये तो मंदिर की बात हो रही है, तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि 3D डाकघर, पोस्ट ऑफिस जो है वो कहां बनाया गया है? पोस्ट ऑफिस, तो याद रखिएगा, ये बेंगलुरु में बनाया गया है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि 3D प्रिंटेड मंदिर की बात हो रही है, प्रिंटेड मंदिर जो है आपको देखने को मिलेगा कहां पे? तेलंगाना में। तेलंगाना में जो है ये अंबुजा इंफ्राटेक के द्वारा बनाया गया है और ये 3D जो है क्या है? प्रिंटेड मंदिर है। यहां से आप देखो इसकी जो है फोटो देख सकते हो, काफी भव्य मंदिर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 14th सूर्य किरण युद्ध अभ्यास एक्चुअली जो है इस वॉर एक्सरसाइज का जो है नाम है। अब आपसे पूछा गया कि भारत और किस देश के बीच 2023 में ये युद्ध अभ्यास किया गया है? तो देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा?
यहां से आप जो है इसका नाम देख पाओगे, ये जो है नेपाल, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। नेपाल और भारत जो है, एक्चुअली भारत बांग्लादेश नेपाल के साथ जो है एक्सरसाइज करता है साथ में। अभी जो है मालदीव के साथ हम लोगों का झगड़ा हो गया, अदरवाइज मालदीव के साथ भी हम लोग एक्सरसाइज करते थे एंड श्रीलंका के साथ भी करते हैं। तो देखिए फिलहाल यहां से पूछा गया नेपाल के साथ जो है हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये होने वाला कहां है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में ये होने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी और यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिए आईसीसी के द्वारा जो है हर मंथ जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लड़का हो मेल क्रिकेटर हो या फीमेल क्रिकेटर हो, उनको जो है ये प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से जो है नवाजते हैं। तो देखिए अक्टूबर महीने के लिए सबसे अच्छा खिलाड़ी जो है रचिन रविंद्र हैं, जो कि कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। याद रखिएगा ये भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, बेंगलुरु से इनका संबंध है। अब आपसे पूछ लिया गया कि ये किस देश से हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये न्यूजीलैंड से हैं। और अगर मैं बात करूं महिला क्रिकेटर की, तो हेली मैथ्यूज को जो है महिला क्रिकेटर ऑफ द मंथ जो है चुना गया है अक्टूबर महीने के लिए। हेली मैथ्यूज जो है इनका जो है नाम है, ये भी नाम आप याद रख लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इससे पहले रचिन रविंद्र की जो है आप यहां से फोटो भी देख सकते हो, रचिन रविंद्र यही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, क्या है क्वेश्चन, चर्चा में रहा सिल क्यारा सुरंग। देखिए ये सुरंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा होगा, लेकिन ये फोटो देखते के साथ आपको जो है सारी बातें याद आ गई होगी। न्यूज में जो है ये बहुत दिनों तक जो है छाया हुआ था और इस सुरंग में जो है बहुत सारे जो है लोग फंस गए थे और फाइनली उनको निकाल लिया गया। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी की जो है मृत्यु नहीं हुई, सभी सुरक्षित और हष्ट पुष्ट निकल गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने रेट माइनिंग करी थी, रेट माइनिंग क्या होता है कि हाथ से जो है धीरे धीरे पत्थरों को तोड़ा जाता है, निकाला जाता है, रेट माइनिंग करके जो है इनको निकाला गया। तो सभी जिन लोगों ने काम किया था, ऑस्ट्रेलिया से भी जो एक्सपर्ट बुलाया गया था, उसके बाद जो है इस जो सिल क्यारा सुरंग है इसको जो है जो इसमें फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला गया था। अब आपसे पूछ लिया गया है कि ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये उत्तराखंड में स्थित है। अब ये देखिए एक्चुअली ये जो सुरंग है ये किस लिए तैयार किया जा रहा था, एक्चुअली ये जो चार धाम है ना, हिंदू धर्म में जो चार धाम है उनको कनेक्ट करने के लिए ये सुरंग बनाया गया था। और सुरंग की लंबाई के बारे में भी सवाल आए तो आपको जो हड़बड़ी नहीं दिखानी है, 4.5 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई सुरंग की रहने वाली है। यहाँ से आप इसकी फोटो एक्चुअली देख चुके हो और यहाँ एक मंदिर भी बनाया गया था। एक्चुअली जब भी कोई काम होता था उससे पहले सभी लोग जो है पूजा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के किस देश के इगला एस मिसाइल खरीदने के लिए जो है इन्होंने जो है लाइसेंस या फिर जो आप समझ लो साइन जो है पैक्ट साइन कर लिया है, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा हम लोगों ने जो है रसिया के साथ। रसिया हम लोगों का जो है सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर है, हम लोग जो है बहुत सारे डिफेंस को जो है परचेज करते हैं, खरीदते हैं, किससे, रसिया से। अब जवाब आएगा कि इसके लिए देखिए भारत ने इस उत्पाद के लिए लाइसेंस भी ले रखा है। अब जो है हम लोग इंडिया में ही ये बनाएंगे और याद रखना इंडिया में बनाने के साथ साथ जो है ये क्या काम क्या करता है, तो ये जो एक्चुअली जो विमान को गिरा भी सकता है, ये 4 से 6 किलोमीटर के रेंज के विमान अगर आसपास हो वायुयान को एरोप्लेन को ये गिरा सकता है। ठीक है, यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, बड़े आसानी से आप इसे कैरी भी कर सकते हो। दैट्स द क्वालिटी ऑफ दिस इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास बोंगो सागर, देखिए जब भी आपको इस तरह का कोई नाम बी से दिखेगा ना, एक्चुअली जनरलाइज करने की जरूरत नहीं होती है, बट बोंगो सागर 2023 का जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच कंडक्ट कराया गया था। ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए के साथ आपको पढ़ना था। यहाँ से आप फोटो भी देख सकते हो, बांग्लादेश के जो नेवी ऑफिसर हैं और इंडियन ऑफिसर यहाँ पे काम कर रहे हैं। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में ओडीआई क्रिकेट में जो है 50वां शतक किस कंट्री के अगेंस्ट लगाया था, तो देखिए हम लोगों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जो है विराट कोहली ने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 स्कोर किया था, कौन सा, 50वां। इससे पहले देखिए सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड है वो 49 शतक का है जो कि सचिन तेंदुलकर का था, उस रिकॉर्ड को जो है बराबरी किया था और फिर उसे ब्रेक कर दिया, किसने, विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ। याद रखिएगा डी का क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर मैं करंट क्रिकेटर की बात करूं तो रोहित शर्मा 31 सेंचुरी के साथ जो है अभी करेंटली में दूसरे नंबर पे है। अभी नंबर वन पे कौन है, विराट कोहली, नंबर दो पे है रोहित शर्मा जो क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गिलर पुरस्कार जो है 2023 में किसे प्रदान किया गया है, तो देखिए गिलर पुरस्कार जो है ये जो बुक है, ये बुक जो लिखी गई है, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं, ये सायरा जो बर्नस्टीन है, एक्चुअली इनका फोटो भी देख लो, वेट ए मिनट, यहां से आप इनकी फोटो देख सकते हो। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी उसका नाम क्या है, उस बुक का नाम है स्टडी फॉर द
ऑब्लिगेंस, और इस बुक में ना जो यंग लेडी है उसके लाइफ में जो अलग अलग जो है चेंजेस आते हैं, परेशानी आती है, घटनाएं आती है, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है, और इसके लिए जो है इनको गिलर पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में ICC के द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है? तो देखिए श्रीलंका को, श्रीलंका एक्चुअली ये सस्पेंड क्यों किया गया है? कोई मैच फिक्सिंग वगैरह नहीं हुई, डोंट वरी, या फिर कोई डोपिंग वगैरह जो है टेस्ट फेल नहीं हुआ है क्रिकेटर्स का। एक्चुअली हुआ क्या कि श्रीलंका के जो कंट्री है वहाँ पे उन्होंने जो है उस बोर्ड को, जो श्रीलंकन बोर्ड थी उसे सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड कर दिया? क्योंकि श्रीलंका बहुत जो है खराब प्रदर्शन कर रही थी, इसलिए जो है इनको हटा दिया गया। तो फिर ICC ने जो है इनके ऊपर बैन लगा दिया, एक्चुअली जो है इस बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। तो फिलहाल ICC ने किस देश के बोर्ड को निलंबित कर दिया है, तो श्रीलंका इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ लेता हूं, इसका जवाब मैं आगे आपको दूंगा। आपको बस ये बताना है कि जो अगला ICC ODI है वो जो है होने वाला है, आपको पता ही है 23 में हुआ है, तो अगले जो है 4 साल के बाद 27 में होगा, 2027 में, किस 3 देश के बीच जो है मेजबानी की जाएगी, उन 3 देश का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। चीटिंग कोई नहीं करेगा, गूगल से कोई नहीं देखेगा, आराम से आंसर आप बता देना। बाय द वे मैं आके इसका आंसर भी बताने वाला हूँ। चर्चित पेंटिंग वुमेन विथ अ वॉच, यानी कि एक महिला घड़ी के साथ, एक्चुअली अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो ऐसा ही होगा, किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये पेंटिंग पाग्लो पिपास, जो पिपापो ये क्या होता है, पाग्लो पिकासो, इसके द्वारा जो है, एक्चुअली इसके नहीं, इनके द्वारा जो है ये पेंटिंग की जो है रचना की गई है, क्रिएशन की गई है। पाग्लो पिकासो इनका नाम है, और ये इनकी सेकेंड मोस्ट महंगी जो है पेंटिंग है। ठीक है, यहां से आप जो है ये एक्चुअली फोटो मैंने लगाई है, कोई बात नहीं, आप गूगल करके देख लेना। चर्चित शीतल महाजन का संबंध किस खेल से है? तो देखिए ये जो है स्काई डाइवर हैं, और इन्होंने देखिए ये दुनिया की पहली महिला बनी थी, और जिन्होंने जो है ये काम किया हुआ हिमालय से, जो इन्होंने छलांग लगाई थी माउंट एवरेस्ट से। और याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात है, इनको 2001 में ही पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री से जो है इनको सम्मानित किया जा चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग जो है अर्जुन अवार्ड के बारे में भी बात करेंगे, यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, दैट्स शीतल। यहाँ से देखिए इनके बैग के जो रैपर है यहाँ पे इनका नाम भी लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नाम भी दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से ITBP के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो सबसे पहले ITBP के बारे में 2-3 बातें जान लेते हैं। 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, 1962 में एक और काम हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि चाइना और इंडिया के बीच में वार हुआ था, जिसमें चाइना ने जो है डोमिनेशन दिखाई थी। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ITBP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, न्यू दिल्ली में। अब आपसे पूछ लिया गया है ITBP के महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो देखिए यहां से इसका जो आंसर है आपको दिख जाएगा, अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह को जो है या इनका जो है प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड डायबिटीज डे को जो है आप 2 चीजों से समझ सकते हो, भारत में जो है बाल दिवस और जवाहरलाल नेहरू का जो है डेट ऑफ बर्थ एक ही दिन मनाया जाता है, आपको पता है, और वो कौन सा दिन है, 24 नवंबर, याद रखिएगा 14 नवंबर एक्चुअली इसका सही जवाब होगा। यहाँ से ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक्चुअली पूछना चाहता हूँ, आपको बताना है कि 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 1 दिसंबर को। आगे बढ़े तो 10 दिसंबर को जो है कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और यहां से जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे देख सकते हो। हाल में ही किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? आने वाले समय में ये क्वेश्चन इतना बार पूछा जाएगा कि आप जो है देखोगे और हर जो करंट अफेयर्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा साइनो पकाल, एक्चुअली जो है प्लासियो, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो प्लासियो, इन्होंने जो है ये जीता हुआ है। और देखिए एक नाम आपको यहां से भी दिख रहा होगा, श्वेता सारदा का, एक्चुअली भारत की ओर से जो है मिस यूनिवर्स में इन्होंने जो है पार्टिसिपेशन करी थी, ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो विनर है उनका नाम क्या है, सेनिस पलासियो, ये इसका सही जवाब होगा, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंडिया को 6 विकेट से हराकर यह खिताब जीत लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। WTC जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीती
ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर आप देखोगे तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है भारत के विराट कोहली को मिला था, और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। वर्ल्ड कप 2027, मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था ना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में जो है एक्चुअली ये तीनों कंट्री मिलकर इस वर्ल्ड कप का जो है मेजबानी करने वाली है। चलिए यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो विनर्स की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए महाराष्ट्र सरकार जो गायन या फिर सिंगिंग के म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान करती है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से जो है सुरेश ईश्वर वाडेकर, इनकी जो है आपने गाना सुना होगा वो लगी आग सावन में, फिर वो वही गाना इन्होंने ही गाया है। ए इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ए के साथ। आपको आगे बढ़ना, यहां से आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता? देखिए आप लोग ग्रेमी और एमी में कंफ्यूज मत करना। एमी अवार्ड जो है टेलीविजन के लिए दिया जाता है और ग्रेमी जो है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है। ग्रेमी के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल एमी अवार्ड 2023 की बात की गई है। तो कॉमेडी वाले कैटेगरी में किसे मिला है? वीर दास, बहुत बड़े कॉमेडियन है ये। सी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। और यहां से देख लेते हैं कुछ और चीजों को जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से देख लीजिए बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड जो है कार्ला सुजा को मिला हुआ है ला केडा ड्राइव के मूवी के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े तो यहां से आप देख लीजिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ब्रिटेन फ्रीमैन जो कि कहां के हैं, सॉरी मार्टिन फ्रीमैन, ये ब्रिटेन के हैं ये मैं बोलना चाह रहा था, और ये क्या है रिस्पॉन्डर के एक्टर थे। अगले सेक्टर की ओर बढ़े तो बेस्ट कॉमेडी वीरदास को मिला हुआ है किसके लिए? लैंडिंग के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जो है मेरीपोल को मिला हुआ है द पीपल्स स्टोरी के लिए, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। यहां से आप वीरदास की फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 54th फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहां किया गया था? तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले बता दिया, ये गोवा में आयोजित किया गया था जहां पे इंडियन गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और गोवा सरकार के भी जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ से आप फोटो भी देख पाओगे तो देखिए यहाँ से आपको जो है अनुराग ठाकुर भी दिखेंगे, प्रमोद सावंत भी दिखेंगे गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, माधुरी दीक्षित भी दिखेगी। तो यहाँ पे फिल्म एक्ट्रेसेस के अलावा गवर्नमेंट ऑफ गोवा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गोवा इसका क्या है? सही जवाब है माइकल डगलस को जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड जो है यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया, वो किस खेल जो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए ये आर्ट से संबंधित थे और इनको जो है पद्मश्री पद्म भूषण दोनों मिल चुका है। पद्मश्री जो है इनको पहले मिल चुका है, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, क्या है क्वेश्चन? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना जो है किससे संबंधित है? देखिए पीएम किसान भाई योजना जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 7 अलग अलग स्टेट में, 7 स्टेट्स में जो है ये लॉन्च की जाएगी, जारी की जाएगी। क्लियर हो गई बातें? अब देख लेते हैं पूछा क्या गया है कि किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो है फसल भंडारण से संबंध है, यहां ये रहा, ये देख लो ऑप्शन जो है सी में आपको जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्चुअली सरकार चाह रही है कि कम से कम 3 महीने का भंडारण करने की जो क्षमता है वो किसानों के पास आ जाए, 3 महीने का भंडारण का क्षमता जो है सरकार के पास आ जाए। ये 7 स्टेट से जो है इसकी शुरुआत की गई है, तमिलनाडु भी इसमें शामिल है, यूपी और आंध्र प्रदेश वगैरह भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय को केनिथ बोर्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीना अग्रवाल जी, जिसकी पिक्चर आपको मैंने पहले ही दिखा दी थी, इनको ये सम्मानित किया गया है। अब ये क्यों सम्मान मिला है भैया? पारिस्थितिकी सुधार के लिए, एक्चुअली जो इकोसिस्टम हम लोगों का खराब हो रहा है और उसे ये ठीक करने का प्रयास कर रही है, इसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसे साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है? साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किसे मिला हुआ है? तो मनु एस पिल्लई या फिर माधुरी विजय, देखिए इसका एक्चुअली जो आंसर होगा वो हो जाएगा पेरुमल मुरुगन, इनको जो है ये पुरस्कार मिला हुआ है। याद रखिएगा किसको मिला हुआ है, पेरुगन जो ये है इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली ये देखिए और एक और बात है, ये पुरस्कार मिला क्यों है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए इन्होंने जो अपने किताब में जो किसान के जीवन प्रेम और संघर्ष के बारे में बातचीत करी है, इसलिए ये पुरस्कार इनको मिला हुआ है। और इस पुरस्कार की जो जेसीबी पुरस्कार की शुरुआत जो है 2018 ईस्वी से की गई है। चलिए यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो, फायर जो वर्ड है, एक्चुअली ये जो फायर वर्ड है ये किसान के ऊपर लिखी गई किताब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में जेवियर माइली जो है किस देश की राष्ट्रपति के पद के लिए जो है इनको चुना गया है? अर्जेंटीना इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अर्जेंटीना में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ चुकी है और वहां पे टैक्स वगैरह को सब जो है समाप्त कर दिया गया है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अर्जेंटीना जो है वो किस महाद्वीप का देश है? तो याद रखिएगा ये दक्षिणी अमेरिका का देश है, याद रख लेना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। एक्चुअली ये जो बहुत राइट विंग के हैं, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये राइट विंग के जो है लीडर माने जाते हैं। जैसे कि अभी बीजेपी जो है राइट विंग की पॉलिटिक्स करती है, वैसा ये पॉलिटिक्स करती है। अगर मैं बात करूँ रशिया की, तो रशिया देखिए क्या करता है, लेफ्ट विंग की जो है पॉलिटिक्स करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता हुआ है? तो इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 की अगर मैं बात करूं तो इसे जीता है गगनजीत भुल्लर ने, पहली बात। और ये इनका 11वां खिताब है, इससे पहले इन्होंने 10 खिताब जीता हुआ था, 11वां ये खिताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक और बात बता देता हूँ, इंडोनेशिया मास्टर जो ये टूर्नामेंट खेला गया है इसकी शुरुआत देखिए 2011 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहां से इनकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला कौन है? तो देखिए इसका सही जवाब जाएगा दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता, एक्चुअली पंजाबी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है और जो दीप्ति बबूता हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है इनकी लघु कहानियों के संग्रह के लिए, जिसमें जो है महिलाओं के संघर्ष के ऊपर जो है बातें बताई गई है। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, देखिए SPG होता क्या है ना, आपको जब प्रधानमंत्री के आसपास जो वो सूटकेस टाइप का जो है एक सामान लेकर जो है आसपास आपको कुछ चश्मा पहने हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं, वो SPG के लोग होते हैं। ये PM की सुरक्षा के लिए जो है क्या रहते हैं, आगे पीछे रहते हैं PM की सुरक्षा के लिए। याद रखिएगा PM मोदी जब PM कैंडिडेट थे 2014 में तो भी उनको जो है SPG सुरक्षा दी गई थी, राहुल गांधी को भी SPG सुरक्षा दी गई है। याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं देश के उनको SPG सुरक्षा दिया जाता है। अब आपसे पूछ लिया गया है इसका जो है प्रमुख यानी कि हेड जो है किसे चुना गया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए हेड जो है आलोक, यहां से ये रहा आलोक शर्मा जी को जो है इसका हेड चुना गया है। ठीक है, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, इनको डायरेक्टर ऑफ SPG से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा हु वन द IBSF वर्ल्ड बिबिल्डर्स चैंपियन 2023 लॉन्ग फॉर्मेट टाइटल किसने जीता है? पंकज अडवाणी। बिल्कुल, जब से आप जो है इसका नाम जानते हो पंकज अडवाणी इज द राइट आंसर, आप यहां से इनकी फोटो भी देख सकते हो। युद्ध अभ्यास की बात की जा रही है, वज्र प्रहार 2023 के 14th एडिशन को जो है किस दो देशों के बीच में किया गया है? तो देखिए इंडिया जो है USA के साथ भी जो है एक्सरसाइज करता है और ये एक्सरसाइज मेघालय में होने वाला है। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं, इंडिया और USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये होगा। कहां होगा याद रखिएगा, ये आपको जो है देखने को मिलेगा कहां पर, मेघालय में। और ये कौन सा एडिशन है, 14th एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को, किस शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना, यानी कि 2023 में सबसे अच्छा शब्द इनको यही लगा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेलुसिनेट। हेलुसिनेट का मतलब देखिए क्या होता है, जब आप कुछ सोचते हो देखते हो और आपको कुछ दिखता है लेकिन वो रियलिटी में नहीं होता है। सपोज कर लो कि मैं बोलने लगूं, एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मुन्ना भाई आपने देखी होगी ना, मुन्ना भाई टू जो मूवी आई थी जिसमें संजय दत्त को महात्मा गांधी दिखने लगते हैं, वो क्या है, हेलुसिनेट होता है वो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। गोवा राज्य सरकार के द्वारा पहला मनोहर परिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए मनोहर परिकर क्या थे, पहले गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी बने और ये सादगी के लिए बहुत जाने जाते थे। अब इनके नाम से जो है पुरस्कार दिया जाता है साइंटिस्ट को और ये पुरस्कार जो है मिला हुआ है S मथवराज को। और ये जो है चंद्रमा जो चंद्रयान 3 था इससे ये जुड़े हुए थे और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में घोल मछली, किसकी बात हो जा रही है, गोल फिश की। तो नाम से ही आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा, घोल मछली जो है एक्चुअली इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्ड फिश भी कहा जाता है। ठीक है, आप सबसे पहले इसकी फोटो देख लो ताकि आपको जो है दिमाग में चीजें छप जाए। ठीक है, अब देखिए इसका जो है यूज जो है मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है, दवाई में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपसे पूछ लिया गया किस राज्य की जो है राजकीय मछली घोषित किया गया है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात।
ये आपको गुजरात और महाराष्ट्र में जो है देखने को मिलेगा। अब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, आपको बस ये बताना है गुजरात और महाराष्ट्र दोनों स्टेट एक दूसरे से अलग हो गए, कब अलग हुए थे नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रबंध निदेशक है किसे नियुक्त किया गया है? विनय एम एस टोस कहाँ है? ये रहा, वेट ऑप्शन ए में ही है, विनय एम टोस को जो है नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा ये कार्यकाल इनका 2 साल का ही चलने वाला है, 2 साल के बाद ये हट जाएंगे। हाल ही में पेट्रो सांजेस किस यूरोपीय देश का जो है इनको प्रधानमंत्री चुना गया, जो रिसेंट वाले अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं ना, इलेक्शन जो जीत के आते हैं वो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का नाम, अब यहां से पूछ लिया गया है पेट्रो सांजेस जो है किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा स्पेन। स्पेन, अर्जेंटीना, ये सब फुटबॉल वगैरह जो है बहुत खेलती है। और ये जो पर्सनालिटी है, पॉलिटिक्स पर्सनालिटी, ये सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी आप जो है हल्का फल्का में याद रख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ स्पेन की जो है कैपिटल है वो मैड्रिड है, याद रख लेना आप लोग, यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा, ये रहा भारत के किस नदी में हाल में ही टेंटलम जो है धातु की खोज की गई। सबसे पहले टेंटलम धातु आपको किस तरह दिखेगी यहां से आप देख लो, ये टेंटलम धातु जो है किस काम में आती है, तो देखिए ये काम में आएगी सेमीकंडक्टर चिप बनाने में। सेमीकंडक्टर चिप, देखो आपका फोन या फिर कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, आजकल के जो कार वगैरह में जो है जो दिख रहा है आपको, सब जगह आपको सेमीकंडक्टर चिप दिखेगा। जहां भी इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा सा जो गैजेट है वहां पे आपको सेमीकंडक्टर दिखेगा, तो सेमीकंडक्टर के बिना कुछ काम चलेगा नहीं देश का। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट है इसका, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी काम में आएगा। अब ये खोजा कहाँ गया है, पंजाब के सतलज नदी में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम, एक्चुअली इसका एक्रोनिम है यानी फुल फॉर्म आपको बताना है, राइज की शुरुआत जो है की गई, इसका पूरा नाम क्या है, तो देखिए इसका पूरा नाम है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। ठीक है, एक्चुअली ये काम क्यों किया गया है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है टाई बढ़ सके, लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके, इसके लिए ये काम किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, एक्चुअली कौन थी, एक्चुअली इनका हाल में ही निधन हो गया है। देखिए ये तमिलनाडु की क्या रह चुकी है, 10 से 15 साल के लिए राज्यपाल भी रह चुकी है, और 96 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका नाम है एम फातिमा बीबी। लूसेंट वगैरह जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उनको ये नाम डेफिनेटली याद होना चाहिए, आप यहां से इनकी फोटो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, हाल में ही IISR ने किस फसल के लिए चंद्रा को विकसित किया है, तो देखिए चंद्रा जो है आपको पहले मैं फोटो दिखा दूं, ये दिख रहा है आपको, एक्चुअली इसके सीड को यानी कि बीज को देखकर आप चीजें समझ पाओगे। तो देखिए चंद्रा को जो है काली मिर्च के जो है इसके वैरायटी को जो है एक्सप्लोर करा है, डेवलप किया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसको यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड मिला हुआ है, तो देखिए ये देखो कोझिकोड को जो है सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड मिला है। और इससे एक और क्वेश्चन आप यहां पे नोट कर लीजिएगा पेन पेपर पर लेकर कि सिटी ऑफ जो है म्यूजिक का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये शहर का नाम क्या है, ग्वालियर। ग्वालियर कहां पे है, एमपी में है, और ग्वालियर कौन सा शहर है, तानसेन का शहर है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो यहां से मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यहां से आप जो कोझिकोड की फोटो भी देख सकते हो। किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है, किस भारतीय ने, तो देखिए इसका नाम, इनका जो नाम है, देखिए सबसे पहले यहां से आप देख पाओगे विहान ताली विकास को जो है ये पुरस्कार मिला हुआ है। इससे पहले देखिए ऐश्वर्या श्रीधर को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, और जो विहान ताली विकास है इन्होंने जो है कृष्ण, भगवान कृष्ण की जो फोटो है वो मकड़ी के साथ जो है खींची थी, स्पाइडर के साथ खींची थी, और वो बहुत पॉपुलर हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 किसे दिया गया है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नंदनी दास को। मैं फोटो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देख लो काउंटिंग इंडिया, इस पुस्तक के लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला हुआ है, मुगल एम्पायर के बारे में इन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। हाल में ही किस देश में बन्नी उत्सव मनाया जाता है, तो देखिए हाल में ही किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दशहरा के पूर्व संध्या पर जो है ये पुरस्कार, जो है ये उत्सव मनाया जाता है। अब यहाँ से आप फोटो देख लोगे तो चीजें आपके समझ में आएगी। देखो यहाँ पे लोग जो है एक दूसरे से मूर्ति छीनते हैं, और इसमें होता क्या है वो आप समझ लो, यहाँ पे लोग जो है एक दूसरे के साथ
देवता की जो है मूर्ति छीनना चाहते हैं, और जो जीत जाता है, जो देवता की मूर्ति पर कब्जा कर लेता है, और ऐसा माना जाता है यहाँ इन लोगों के द्वारा कि उसे जो है देवता खुश रखेगी, प्रसन्न रखेगी, समृद्धि वहाँ पे आएगी। ठीक है, अब यहाँ से देख लो एक और बात है, अगर मूर्ति की बात करूँ तो शिव और पार्वती की जो है मूर्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पहाड़ के ऊपर में, जो पहाड़ी के ऊपर में जो है लेकर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में संत सिंगा जी का मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो सिंगा जी का मेला आपको कहां देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में। कुछ और मेला के बारे में आप देख लो जो कि इंपॉर्टेंट है। जल बिहारी का मेला छतरपुर में दिखेगा, बाबा गरीबनाथ का मेला साजापुर में दिखेगा, व्यापार मेला ग्वालियर में दिखेगा, ग्वालियर को सिटी ऑफ द म्यूजिक के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पीर बुधन का मेला शिवपुरी में आपको दिखेगा। चलिए अब दिखेगा आपको यहाँ से ये फोटो, इस फोटो का संबंध किससे है आपको पता चल चुका होगा, सिंगा जी का मेला यहाँ पे आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोग्लिब हुरून इंडिया पुरस्कार सूची में जो है सबसे, एक्चुअली मैं आपको सिंपली वे में समझा देता हूँ, ये अवार्ड का नाम तो याद रखना ही है आपको, सबसे ज्यादा जो है दान देने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा लिया गया है। तो देखिए शिव नाडर जो है नंबर वन पे बने हुए हैं, सबसे ज्यादा दान इन्होंने दिया है। नंबर दो पे कौन है? अजीम जी प्रेम जी, ठीक है, विप्रो के चेयरमैन हैं ये। और तीसरे नंबर पे आपको दिखेंगे रतन टाटा, चौथे नंबर पे आपको दिखेंगे मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक। ठीक है, अब यहां से आप जो है यहां से देख लीजिए, सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन है? शिवनादर, सेकंड नंबर पे अजीम प्रेम जी, तीसरे नंबर पे मुकेश अंबानी, सॉरी एक जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया था, चौथे नंबर पे आपको रतन टाटा दिखेंगे। और महिला की अगर बात करें तो रोहिणी नीलकेनी। अब देखिए ये कौन है, ये जो है याद रखिएगा इसको, इनके जो हस्बैंड है ना उन्होंने ही आधार कार्ड के बारे में जो है, एक्चुअली आधार कार्ड का निर्माता उन्हें ही कहा जाता है। अब आपसे सवाल रहेगा उनका नाम क्या है, नीचे आप लोग जो है ये फोटो भी देख लो, लेकिन नीचे आपको जो है ये शिव नादर की फोटो है, आपको जो है इनके हस्बैंड का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल में ही केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? केरल ज्योति पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिखेगा, ये देख लो MD वासुदेवन नायर, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। केरल ज्योति पुरस्कार जो है प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? वासुदेव नायर ही थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनकोर, एक्चुअली इनकोर का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है, ये किससे संबंधित है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इनकोर बनाया गया है। अब आपसे पूछ लिया गया है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम देखिए क्या है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यहां से आप इसकी जो ऐप वगैरह है वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल में ही किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी? तो आपको पता होना चाहिए इस देश का नाम है कतर, और कतर की जो कैपिटल है वो है कहां? दोहा में। और एक्चुअली अब जो रिसेंट टाइम में है ये वीडियो अब की बन रही है, तो मैं आपको बता दूं ये जो है सजा इसको हटा लिया गया है, फांसी अब इन लोगों को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि इसे जो है भारत इन लोगों को वापस लाया जाए और फिर जो है इनको क्या कर दिया जाए, भारत के में ही इनकी जो है जो भी सजा होगी वो यहीं पर इसी भारतीय जेल में ये सर्व कर लेंगे। हाल में ही कोलिंस डिक्शनरी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो AI को चुना है, AI को। दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में भी जो है मैंने ये ऐड किया हुआ था। तो वर्ड क्या हो जाएगा? AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका जो मोबाइल है वो कैमरा जैसे ही आप ऑन करते हो, एक्चुअली लॉक जैसे ही अनलॉक करते हो आपका फोन ऑन हो जाता है, वो AI की वजह से हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सचिन तेंदुलकर के स्टैचू किस स्टेडियम में लगाया गया है? तो देखिए सचिन तेंदुलकर मुंबई से हैं और मुंबई में ही उन्होंने जो है शुरुआत करी थी अपने रणजी ट्रॉफी का, और पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, और उन्होंने आखिरी मैच भी यहीं पे खेला था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो शाहिन अफरीदी पाकिस्तान के ये बॉलर हैं, और शाहिद अफरीदी, एक्चुअली सरनेम दोनों का मिलता है, उनके ये दामाद बन चुके हैं। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, और करेंटली अभी जो है पाकिस्तान टीम के T20 टीम के ये कप्तान भी बन चुके हैं, बाबर आजम को हटा दिया गया है। ब्रेकिंग द माउट, देखो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए हमारे देश के जो एक्स गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अब इनकी कुछ और किताबें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक और नाम याद रख लेना, रोहित लामा, इन्होंने ये किताब लिखी थी। मैंने इनका इंटरव्यू ललन टॉप पे देखा था, वहां पे जो है इन्होंने इस बुक के बारे में, देश के इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी बातें करी थी। फॉल्ट लाइन इनकी बुक है, I Do What I Do, द थर्ड पिलर, ये जो है किसने लिखी है? रघुराम राजन ने। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। हाल में ही
किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहां से सारे ऑप्शन को अगर आप स्कैन करोगे तो द राइट आंसर जो आपका निकलेगा वो निकलेगा दीनानाथ राजपूत। अब ये इनको पुरस्कार किस लिए मिला है? आदिवासी महिला के योगदान में, आदिवासी महिलाओं के कल्याण के लिए इन्होंने जो है बहुत सारा जो है काम किया है, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। डी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां से आप इनकी फोटो भी देख लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है? स्लोवाकिया, इससे पहले मैंने स्पेन और अर्जेंटीना के बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो याद रखिएगा MSD महेंद्र सिंह धोनी को जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। लेज के द्वारा भी जो है महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर जो है चयनित किया गया है। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो ताकि आप चीजों को ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक याद रख पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। पहला AI समिट जो है सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया था। और हमारे देश के जो इलेक्ट्रॉनिक विभाग के जो मंत्री हैं उनका नाम है चंद्रशेखर, पेगासस वगैरह का जब भी मुद्दा उठता है तो ये सामने आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इंडिया की ओर से ये भी यहाँ पे सम्मिलित हुए थे, आप इनकी फोटो यहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल में ही दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? पूछा क्या गया है सबसे ऊंचा परमाणु। देखिए ये बोलोविया जो देश है ये सबसे पहले कहाँ आता है? दक्षिण अमेरिका में आता है, ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये कितने ऊपर में जो है इसकी स्थापना की गई है? तो लगभग 4 किलोमीटर या फिर 400 मीटर समुद्र तल से ये जो है सी लेवल से ऊपर में स्थित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये परमाणु रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेलों में जो पदक तालिका है उसमें सबसे नंबर वन पे कौन रहा था? यह सवाल आपसे पूछा गया है। आंसर महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र ने जो है यहाँ पे टोटल जो है मेडल बहुत सारे जीते थे, 100 से ऊपर मेडल जीता है इन्होंने। और टोटल जो है यहाँ पे 43 स्पोर्ट्स इवेंट जो है, गेम्स वगैरह जो है यहाँ पे कराए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही बिजनेस लाइन जो चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 जो है ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार जो है RBI को दिया गया है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है आप नीचे कमेंट करके बताओगे। RBI को जो है ये पुरस्कार COVID-19 के दौरान जो है बहुत अच्छा काम जो है इन्होंने किया था COVID-19 के दौरान, इसलिए जो है ये पुरस्कार जो है इनको यहाँ पे दिया गया। 6 अलग अलग कैटेगरी में जो है अवार्ड दिया गया है। एक अवार्ड जो है अमूल को भी मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से जो है RBI के जो चीफ हैं, एक्चुअली हमारे देश के गवर्नर हैं, रुपए पैसे पे इन्हीं का सिग्नेचर होता है, शक्तिकांत दास जी आपको यहाँ से दिखेंगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल में ही सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो देखिए सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जो है पंजाब ने जीती है, ये इनकी पहली है। और इससे पहले जो है प्रीवियस की अगर मैं बात करूं तो इसे मुंबई ने जीता था। लास्ट टाइम जो है 2022 में मुंबई ने इस पुरस्कार को जीता था, इस बार जो है पंजाब ने जीता है, याद रखिएगा। और अभिषेक शर्मा, याद रखिएगा एक नाम है अभिषेक शर्मा, इनको जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अभिषेक शर्मा की फोटो भी आप यहां से देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाल में ही केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने मुंबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। क्रूज लाइनर का नाम क्या है आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए क्रूज लाइनर जो है ये है कोस्टा सोरेन, ये जो है इन्होंने एक्चुअली जो ये, वेट अ मिनट, मैं आपको ये फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो आपको फोटो दिख रही है ना, ये जो है ये इसलिए लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा ताकि देखो अपना देश, ये टैगलाइन है इनकी। ये 50 मिलियन से ज्यादा लोगों को जो है अलग अलग जगह पे घुमाने की जो है ये देश को जो है टूरिज्म को बूस्ट करने का तरीका है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट, यहाँ से आप जो है इनकी फोटो भी, एक मिनट, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए एक्चुअली ये जो है पद्मश्री है, पद्मश्री विजेता लीला ओमचूरी का जो है निधन हो गया, ओमचेरी का जो है निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए ये क्या थे, क्लासिकल सिंगिंग, ये उससे संबंधित थी। इनका निधन जो है हाल में ही हो गया है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़े। केरल सरकार के द्वारा साहित्य क्षेत्र में जो प्रसिद्ध अजूथाचान पुरस्कार है 2023, ये किसे दिया गया है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए ये पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया है SK वसंतन को, ठीक है,
जिसे भी आपको नोट कर लेना, यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। हाल में ही भारत का प्रमुख सूचना आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब हो जाएगा हीरालाल समराइया, ठीक है, यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? तो देखिए इस पुरस्कार में जो है भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस पुरस्कार में एक्चुअली इसमें जो है टोटल भारत ने 55 मेडल जीते थे। कितने मेडल जीते थे? 55, और ये बहुत ज़्यादा जो है होता है नंबर, इस बात का आपको जो है खास ख्याल रखना है, और ये एग्जाम में जो है बहुत बार जो है रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसे जो है जरूर आप याद कर लें, इसे जो है आपको क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए यहाँ से आप जो है मेडल टैली को देख पाओगे तो चाइना नंबर 1 पे रहा था, इंडिया नंबर 2 पे रहा था, और इंडिया ने 55 मेडल यहाँ पे जीता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले नंबर पे कौन रहा था? चाइना। नंबर 2 पे कौन रहा था? इंडिया जो है सेकंड नंबर पे यहाँ पे रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ये किसने जीता? ये क्वेश्चन इतना भीविया है कि मैं क्या ही कहूँ। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये छप गया है। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली क्यों छपा है, क्योंकि ये रांची में जो है ये प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। कहाँ पे? रांची में। झारखंड से संबंधित क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और जीता भी किसने है? भारत नहीं ये पुरस्कार जीता है, जापान को हरा कर। ये जो प्रतियोगिता है जापान को हम लोगों ने 4-0 से हराया और ये पुरस्कार हम लोग जीत कर ले गए। यहाँ से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। और ये देखो झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप और रांची में ये हुआ है। यहाँ से आप इसकी जो है पोस्टर में जो है आपको इमेज दिख रहा होगा। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभिमान में कौन सा राज्य नंबर 1 पर रहा था? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, नंबर 1 पे रहा था। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर इज द नंबर 1, ठीक है। हाल में ही किस यूरोपीय देश में व्हाइट नाइट्रोजन का काम क्या है वो समझ लो आप। व्हाइट नाइट्रोजन जो है ये प्राकृतिक रूप से ये नेचुरल होता है और ये कम पॉल्यूशन फैलाता है, और इसकी शुरुआत इसकी खोज जो है फ्रांस में हुई है। कहाँ हुई है? फ्रांस में। FIDE ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरवे साली। और मैंने कहा था ना अर्जुन अवार्ड के बारे में बात करेंगे, इनको 2023 में अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। एक क्रिकेटर को भी अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, नीचे कमेंट करके बताइएगा अर्जुन अवार्ड जो है किस क्रिकेटर को मिला हुआ है। आरवे साली को आप यहां से देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है इसमें नंबर 1 पे शीर्ष नंबर पे कौन रहा था? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल। डी का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और विभिन्न श्रेणियों में जो है राज्यों की रैंकिंग की बात करें तो बड़े राज्यों में केरल नंबर 1 पे, नंबर 2 पे पंजाब, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। छोटे राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पे गोवा, दूसरे नंबर पे मणिपुर, तीसरे नंबर पे सिक्किम। और जो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर था यहाँ पे। हाल में ही इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड, एक्चुअली जो पिरामिड इंडोनेशिया में खोजा गया कहाँ खोजा गया? जावा द्वीप पे खोजा गया। कहाँ खोजा गया? जावा द्वीप पे। अब कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जावा द्वीप के बारे में बात कर ली, ये जो पिरामिड यहाँ पे खोजा गया इसका मतलब क्या होता है वो जान लो आप। छतों के लिए जो है एक सीढ़ीनुमा पिरामिड इसका नाम रखा गया है, और ये 1600 ईस्वी एक्चुअली जो है 1600 साल पुराना ये पिरामिड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो तो मैंने आपको बताया नहीं, पुंडेन बेरुडंग, ठीक है, यहां से आप इसकी फोटो भी देख सकते हो। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो देखिए वर्ल्ड कप चल रहा था इंडिया में, और श्रीलंका के क्रिकेटर थे एंजेलो मैथ्यूज, इनको टाइम आउट दे दिया गया। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ ये खेल रहे थे। देखिए एक्चुअली आमतौर पर अगर कोई क्रिकेटर आउट होता है तो अगले 3 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको क्रीज पे आकर गार्ड लेना होता है, लेकिन वर्ल्ड कप में समय को बचाने के लिए 2 मिनट का ही टाइम रखा गया था, और एंजेलो मैथ्यूज लेट आए थे और इनको टाइम आउट दे दिया गया था। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य जो है 95th जो है सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो देखिए भारत इसकी अगुवाई करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गुरुग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात कर ली, भारत में इसका जो है भारत इसका जो है अगुआ देश है। अब आपसे पूछ लिया गया है 95वां देश जो है कौन बना है, तो देखिए चिले, ये जो है इंग्लिश में चिले, हिंदी में चिली बोलते हैं इसे, यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां सुल्तान जौहर कप का जो है खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा ये मलेशिया जो है होस्ट कंट्री है, सवाल यहां से भी बनता है, मलेशिया इसका होस्ट कंट्री है, और जीता है किसने? जर्मनी ने। हराया है किसे? ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से आप जौहर कप का टाइटल भी देख सकते हो। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक
नियुक्त जो है किसे किया गया है, तो देखिए हितेश कुमार, यहां से देख लो हितेश कुमार एस मखवाना को जो है इसका जो है नियुक्त किया गया है इनको यहां पे। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये पूरे करंट अफेयर्स को आपने देखा, समझा, परखा, अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जय हिंद लिखिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है कि अगली वीडियो आपके लिए मैं बना सकूं, ला सकूं और इसी तरह मेहनत आपके लिए करता रहूं। अगर आप परिवार के सदस्य हो तो नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो। वीडियो को यहां तक देख लिया है तो प्लीज इसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना। नीचे आपको दिसंबर का जो है करंट अफेयर्स का जो है लिंक दे दिया गया यूट्यूब का, वहां से आप उसे देख सकते हो। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Have a good day.